सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में अभी एक और खेला होना बाकी है। दरअसल बिहार में जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के टेंशन बढ़ा दी है, ये सवाल सुर्खियों में है। दरअसल जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर है। बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से वो नाराज हैं। मांझी ने कहा कि उन्हें भी यही विभाग दिया था। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, क्या मांझी खेला कर सकते हैं? महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल चारों तरफ गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अगर मांझी कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो एनडीए के गणित पर कितना असर डलेगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार विधानसभा की हम बात करें तो 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। एनडीए सरकार ने 128 का दावा पेश किया है। अगर जीतन राम मांझी के चार विधायक ना भी हों तो एनडीए का आंकड़ा 124 रहेगा। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार के पास होने पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि खेला होगा, जेडीयू ने किया बड़ा इशारा। वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू ने बड़ा इशारा किया है। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने दावा किया कि खेला होगा। उन्होंने कहा खेला तो होगा ही, लेकिन किसके पक्ष में होगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। अशोक चौधरी ने कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद जाने की बात पर कहा कि कहीं जाए ये पार्टी का मामला है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सीएम तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने तोड़फोड़ के डर से कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर दिया है। अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या कहा है? इस बीच बिहार में तोड़फोड़ से कांग्रेस विधायक ने इनकार कर दिया। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कहा है कि कांग्रेस एकजुट टूटेगी नहीं, अटकलें ना लगाए। उन्होंने कहा कि जिधर भी जेडीयू जाती है उधर नंबर गेम पूरा हो जाता है। कांग्रेस के टूटने और नहीं टूटने से सरकार पर कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। इंतजार करिए, नीतीश बाबू फ्लोर टेस्ट में पास होंगे या नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुमत तो फिर भी साबित कर सकते हैं अगर जीतन राम मांझी चले जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स होने अभी बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कोई भी सियासी तड़का लग सकता है।